उसके अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है, बिजली वही है, पावर वही है। ये शरीर जो है ये पंचभूतों से रचित, लेकिन इनमें चैतन्य घन आत्म स्वरूप उसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर बुद्धि मन चित्त अहंकार कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां ये सब संचलित हो रहे। वो अकर्ता, वो अकाल, वो अजन्मा शांत स्वरूप बैठा हुआ है। अब उसे निराकार मानो साकार मानो, जो भाव से जो उपासना करते हैं तो हम उसकी भावना करते हैं। सब में सब ऋणों से मुक्त होने का सब सब कृपा है। सब में भगवत भावना करते हैं और धर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाते हैं। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। निवृत्ति मार्ग अलग है, प्रवृत्ति मार्ग, चूंकि आप प्रवृत्ति मार्ग में विश्लेषण धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हैं, परिवार की उसी अर्थ से सेवा करते हैं, जो समाज की सेवा में सौभाग्य कभी मिले वो सेवा करते हैं। निरंतर नाम का स्मरण आपको स्वरूप बोध कराएगा, जैसे जैसे हृदय पवित्र होता जाएगा तैसे तैसे ये स्थूल शरीर है ना, ये सूक्ष्म शरीर है जो अंतःकरण ज्ञानी इंद्रियों से, ये कारण शरीर है जो स्वभाव है, इन तीनों शरीर से परे अपना स्वरूप है, उसका जहां बोध हुआ फिर समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है जी। या भगवत साक्षात्कार हुआ तो समस्त बंधनों से, बस हमारा संसार का चिंतन छूट जाए, कर्म सब जैसे कर रहे हैं वैसे ही होने, हमारा आंतरिक चिंतन केवल प्रभु से जुड़ जाए, स्वरूप परमात्मा स्वरूप से जुड़ जाए, सब काम बन जाए। आज हमारा चिंतन बिगड़ गया है, देह चिंतन, भोगों का चिंतन, संसार के संबंधियों का चिंतन, मान सम्मान का चिंतन, रुपया का चिंतन, ये सब गलत चिंतन होने लगा है। भगवान कहते मेरी प्राप्ति उसको सुलभ है जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे से युक्त हो जाता है। चिंतन जहाँ है हमारी उपस्थिति वही मानी जाती है। देह में चिंतन, भोगों में चिंतन, जगत में चिंतन, तो यहाँ उपस्थिति और क्रियाएं सब जगत की हो रही, और चिंतन भगवान का, तो स्थिति भगवान में मानी जाती है। नित्य युक्त से योगिना, समझ पा रहे हो? तो भगवान की आराधना मात्र से समस्त ऋणों से जीव मुक्त हो जाता है, फिर उसका आवागमन नहीं होता है। भक्ति ज्ञान अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर, जैसे स्वप्न में हमने बहुत से कर्जे लिए थे, बहुत से दान दिए थे, बहुत से शुभ अशुभ कर्म बने थे, जगे तो सब झूठे थे ना, ऐसे ही विशुद्ध ज्ञान हो जाने पर ये फिर जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के द्वारा है सब, ये उससे परे हो जाता है, क्योंकि ये अवस्थाएं तीनों शरीरों की ही केवल है। जागृत में स्थूल शरीर, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था में, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपना स्वरूप है ये ज्ञान, और तीनों से परे श्री भगवान है। जो परे है वही सब में भरे है, जो सबसे परे है वही सब में भरे है, आनंद ही आनंद, बस उनकी आराधना हो जाए तो कोई ऋण नहीं रह जाता। समझ पा रहे आप? निरंतर बस आराध्य देव में चित्त वृत्ति लगी रहे, यही जीवन का सार है। जो भी सेवाएं मिली है समाज की वो तो अपने लोगों को करना ही है, पर निरंतर इष्टाकार वृत्ति रहे। जो हमारे इष्ट देव हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे प्रेम मार्ग का, भक्ति मार्ग का, चित्त वृत्ति का इष्ट में बार बार लगाना यही योग है। नाम में, रूप में, लीला में, स्वरूप में, जैसा भी भाव गुरुदेव ने दिया हो, हर समय अपने इष्ट का चिंतन। और व्यवहार में तो साधु को सेवाएं मिलती हैं, समाज के जनों का कल्याण, नाना प्रकार के भागवती उत्सव आदि या जो भी सेवाएं, पर चिंतन हमारा सदैव अपने इष्ट का रहे। और कोई भी शरीर त्रम को हमारे छू ना पाए, बस ये दो बातें साधु को त्रिभुवन विजेता बना देती हैं। पहला इष्ट का चिंतन और दूसरा चरित्र की पावनता। अगर चरित्र पावन रहे और इष्ट चिंतन रहे तो जयति जयति जग उच्चरे,
वो त्रिभुवन विजेता महात्मा सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है और तीनों लोकों को तारने की सामर्थ्य रखता है। और गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का निरंतर जप, और ये दृष्टि रहे कि कहीं कोई भी हमारे चरित्र को न छुपावे, हमारा चरित्र निष्कलन कर रहे। काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, बड़ नरसैया दर्शन पावा। नरसिंह जी कहते काछ लंगोटी का पक्का, वाच जबान का पक्का, और मन काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। जिसकी काछ निश्चल, वाच वाणी निश्चल और मन एकाग्र, उसको कभी कोई त्रिभुवन में परास्त नहीं कर। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी। खूब नाम स्मरण रखिए।